भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काफी ऊंचा उठ चुका है और आज भारत जो बोलता है उसको ना सिर्फ दुनिया के कई सारे देश सुनते हैं बल्कि उसके ऊपर अमल भी करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मिला था पिछले महीने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब चाइना ने वहां पर ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की डील के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। भारत ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 175 देशों में से अधिकतर देशों को कॉन्फिडेंस में ले लिया था, जिसके बाद चाइना ने अपना सबमिट किया हुआ प्रस्ताव पीछे हटा दिया था। भारत की इसी डिप्लोमेटिक पावर का ताइवान को बहुत ही एहसास है, जिसके चलते ताइवान की गवर्नमेंट लगातार भारत को रीच आउट कर रही है ताकि हम चाइना के खिलाफ ताइवान का साथ दें। पिछले हफ्ते की बात है जब ताइवान के भारत में रिप्रेजेंटेटिव बाउशुआन गैर ने भारत सरकार से अपील की थी कि चाइना के गलवान घाटी, साउथ चाइना सी और हांगकांग में एक्शंस के बाद अब भारत को ताइवान के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन शुरू कर देनी चाहिए और चाइना के विस्तार को रोकने के लिए भारत और ताइवान को हाथ मिलाना पड़ेगा। मिस्टर गैर ने ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल का मेंबर बनाए जाने के लिए भारत से डिप्लोमेटिक समर्थन करने की मांग की थी, क्योंकि उनको पता है कि भारत अगर इसके लिए मान गया तो हम कई सारे देशों को ताइवान के पक्ष में कर सकते हैं। भारत सरकार भी अभी तक ताइवान के साथ दूरी बनाए बैठे है, लेकिन हाल ही में यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद जब चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था, उस समय भारत ने चाइना से कहा था कि चाइना ताइवान स्ट्रेट में ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे वहां पर टेंशन बढ़े और ऐसी कोई भी एकतरफा कार्रवाई ना हो जिससे स्टेटस को यानी यथास्थिति बदले। इसके अलावा भारत में जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत ने वन चाइना पॉलिसी के लिए एक भी बार प्रतिबद्धता नहीं जताई है। चाइना को डर है कि भारत भी बाकी वेस्टर्न देशों की तरह ताइवान का समर्थन करना शुरू हो सकता है, इसलिए उसने एक बार फिर भारत को चेतावनी दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में जो चाइना की एम्बेसी है उसने वन चाइना पॉलिसी फॉलो करने के लिए भारत को फ्रेश वार्निंग दी है। चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन वांग शियाओजियान ने पिछले कल बोला है कि इस दुनिया में एक ही चाइना है और ताइवान उस चाइना का एक अभिन्न अंग है और गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ही लीगल गवर्नमेंट है जो ताइवान समेत पूरे चाइना को रिप्रेजेंट करती है। चाइनीज स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यूएन जनरल असेंबली में इसके ऊपर रेजोल्यूशन 2758 भी है जो ये कहता है कि दो चाइना या फिर एक चाइना एक ताइवान जैसी कोई भी चीज नहीं है। भारत के ऑफिशियल्स यानी भारतीय सरकार के सभी अधिकारी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करें और ताइवान के साथ आधिकारिक तौर पर कोई भी संबंध नहीं रखें। उन्होंने कहा कि चाइना की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो चाइना के कोर इंटरेस्ट हैं, यानी जो ताइवान मुद्दा है, उसके ऊपर भारतीय मीडिया यानी जो भारत के न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं, वो भी सही स्टैंड लें और वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करें और ताइवान इंडिपेंडेंस यानी ताइवान की आजादी को प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी प्रोवाइड ना करें। पहले ही ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच टेंशंस इस समय पीक पर हैं, यानी अब चाइना भारत के न्यूज चैनल्स को भी धमकियां दे रहा है। खैर, चाइना तो वन इंडिया पॉलिसी फॉलो नहीं करता है और आज भी अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप्स में साउथ तिब्बत के तौर पर दर्शाता है। क्या आपको लगता है कि अब ताइवान कार्ड खेलने का सही समय आ गया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।